हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो 11 बज गए हैं, अभी मैं जा रहा हूँ जंगल वॉक पे और आज मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। 5 दिन से लगातार बारिश थी यहाँ पर और आज मौसम खुल गया है, बारिश रुक चुकी है। तो जंगलों में अभी बुरांस के फूल खिले हुए हैं देखिए, और नीचे एरिया में तो पूरा खिल के ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर अभी बुरांस के फूल हैं और ये देखिए बांस का जंगल। और 5 दिन लगातार बारिश हुई तो अभी देखिए पेड़ों में देखिए मॉस ग्रो हो चुकी है। देखो ये पूरी हरियाली आ गई है, ये बांस का जंगल है और यहाँ पर बुरांस खिला हुआ है सामने, और यहाँ पर भी एक पेड़ है ना जिसमें बहुत ज़्यादा बुरांस खिला हुआ है, तो इसका जूस भी बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पर खरगोश और जंगली मुर्गियों के रुकने छुपने की जगह है। तो गाइज काफ़ी पहाड़ी पे आ गया हूँ, अभी धूप बहुत तेज़ है, चलते चलते बिल्कुल टिप पे आ गया। देखो सामने पहाड़ियाँ दिखने लग गई है और यहाँ से हिमालय तो दिख नहीं रहा है लेकिन बादल लगे हुए हैं, छोटी नीचे की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। तो एक यहाँ पर काफल का पेड़ मिला है और जिसमें एक यूरेशियन जेई करके एक बर्ड जो है ना वो बैठी हुई है। ये वहाँ पर काफल खा रही नहीं आई है, ये देखो ये उड़ के गई है। तो ये है काफल का पेड़ जो काफल लगे हुए हैं। बारिश के बाद पेड़ पौधों में बाहर आ गई है देखो फूल। तो गाइस ये है मौसम का अपडेट, बिल्कुल अभी फिर से बारिश होने लगी है, भाड़ीसेना तक पहुंच गई है। देखिए ये देखो बुबू को देखिए, हमारे रमेश भाई को देखिए, और ये देखो कितना गजब का व्यू दिखाई दे रहा है आपने। नहीं तो बहुत ठंड है, जो हमने टोपी और जैकेट दोनों पहन रखे हैं यहाँ पर। हाँ तो इतनी धूप आ रही है, कहाँ पहाड़ों में ना, वो देखो पहाड़ों में काफी धूप है, तो तभी तो हिमालय दिख रहा है यहाँ से जबरदस्त। बर्फ पड़ी है देखो, खलिया टॉप तक सारी के ऊपर पूरी बर्फ आ चुकी है। देखो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज ये देखिए आज का मौसम, 2 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज क्या गजब का यहाँ पर से हिमालयन रेंज दिख रहा है, खूबसूरत पहाड़ी। सामने ना, और देखिए शाही देवी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ से, अल्मोड़ा शहर के दर्शन हो रहे हैं। मुक्तेश्वर में भारी बारिश हो रही है अभी, और देखिए आसपास का नज़ारा। क्यों मुक्तेश्वर सामने है, कहाँ यहाँ, यहीं तो है मुक्तेश्वर, है वो नैनीताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, चंपावत हो गया,
तो यहाँ मुक्तेश्वर है, यहाँ नैनीताल है, हाँ यहाँ तो है मुक्तेश्वर, दागर दिख रहा मुक्तेश्वर, गजब यार। तो ये बुबू को काफ़ी आइडिया है ना। और ये देखो बांज के पेड़ कैसे हो रखे हैं, और आसमान में इतना बादल है ना, बहुत जगह बरस भी रहा है। क्या दिख रहा विमलकोट मंदिर? हाँ तो गाइस यहाँ पर सामने एक मंदिर है विमलकोट मंदिर है, विमलकोट से यहाँ देखो विमलकोट में रोड चली गई है, कहाँ तक? नहीं नहीं चली गई, अच्छा चलेगी, हाँ चलेगी यार। तो चढ़ाई था असली वही से, रोड चलेगी। अरे मिनी कश्मीर है भाई साहब, वो जैसा कश्मीर नीचे गई है ना, ऊपर चलेगी यार। क्यों कट कर मंदिर से? हाँ वैष्णो देवी जैसा है यार, वो ऊपर चढ़ोगे ना ऐसा लगेगा तुम वैष्णो देवी चढ़ो। हाँ तो हमारे यहाँ का मिनी कश्मीर वो वैष्णो देवी है वो। तो ये देखिए गाइस आसमान में कितने बड़े बड़े बादल हैं, और गर्जना के साथ और ये बरस रहे हैं, और इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है कि यार गर्मी आएगी या नहीं आएगी, बरसात आ गई। गर्मी इंद्रधनुष पड़ा है वहाँ, कहाँ है वो देखो हिमालय के ऊपर, इंद्रधनुष कहाँ है यार? वो देखो यार कितने रंग दिख रहे हैं इसमें, लाल गुलाबी पिलाबी उषा, वो इंद्रधनुष है देखो तो, देखो देखो तो सही, यहाँ देखो कितने रंग पड़ रहे, वो देखो गुलाबी आते हैं ना, गुलाबी बीच में नीला नीचे, कहाँ है यार? तो गाइस इनके हमारे बुकी, अच्छा ये त्रिशूल के ऊपर, तो बुबू इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंद्रधनुष लगा हुआ है करके। और ये देखो आसमान में ना बादल जबरदस्त हो रहे हैं, देखो इतनी छोड़ लगी है। हाँ फिर यहाँ कवर कर रखा बारिश में, हाँ यहाँ पकड़ लिया बारिश, यहाँ पकड़ लिया। कितना गरज रहा यार ये साइड में, तो मुक्तेश्वर चंपावत साइड में तो बहुत ही बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। आज का केंद्र ही यही है ये।